थोड़ा रिएक्शन कैप्चर करते भाई। चलो भाई रिएक्शन कैप्चर हो गया, जल्दी से जाके लाइक कर दो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग 600 हाई राइडर में आप सभी का स्वागत है। तो मैं हूँ यश और मेरे साथ में यहाँ पे कैलाश। तो 10 दिन बाद ब्लॉग आ रहा है, 10 दिन ब्लॉग तो शायद जल्दी आता होगा, लेकिन जो भी वीडियोस आपने लास्ट वीडियोस देखी है वो सभी 10 दिन पहले की है। मतलब 10 दिन से हम 10 से 15 दिन हो गए हम ब्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहे, तो टाइम ही नहीं मिल रहा था, अपने अपने लाइफ में दोनों भी बिजी थे। तो अभी 10 दिन बाद हमको टाइम मिला है, तो हमने एक अपना बाइक भी निकाला, बाइक भी वॉश करवाया और टाइम बिल्कुल भी नहीं था। हम लोग कहीं बाहर जाते थे तो बाइक निकालते ही नहीं थे, सो ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहे थे। तो आज हम बाइक निकाले, अपनी बाइक वॉश करके यहाँ पे खड़ी हुई है। तो बस काफी दिन बाद ब्लॉग कर रहे, तो चलो अभी बाइक पे घूमते और अच्छा खासा ब्लॉग बनाते। सो गाइस, हम लोग अभी सोच रहे हैं कि हम लोग अपने आप से एक 30 डे या 60 डे का चैलेंज करने के लिए ये हम लोग सोच रहे हैं कि वीडियो जो है वो हमारा रेगुलर आए। अभी हम लोग ने ये इसके पहले भी बोला हुआ है कि हम लोग डेली व्लॉग चालू करें, लेकिन ये हमसे नहीं हो पा रहा है। लेकिन अभी इस बार हम लोग ने ठान लिया है कि व्लॉग जो है वो हम लोग थोड़ा रेगुलर रखें। तो आप लोग क्या बोलते हो कि आप लोगों को अगर हमारे साइड से डेली व्लॉग्स चाहिए तो कमेंट डाउन करना अपने ओपिनियंस के। अगर आपको डेली व्लॉग्स चाहिए या दो दिन में एक बार चाहिए तो वो भी कमेंट डाउन करना। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं जितना भी कि हम लोग का जो व्लॉग्स है वो मतलब डेली जाए, डेली व्लॉग जो है वो हम लोग स्टार्ट करें अभी करना। और अपने बाइक में हमने बहुत कुछ चेंजेस कर दिए, मतलब पूरा बाइक सर्विस होने के बाद, सर्विस वीडियो तो आपने देखा होगा, उसके बाद इसमें एक वाटर पंप का इशू आया था। तो बाइक में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप लोग को तो मालूम ही है, हम लोग नहीं देखता है, डायरेक्ट हमने नया वाला वाटर पंप डाल दिया। तो नया वाला वाटर पंप हमको कुछ पड़ा 7,000 रुपये के करीब और लेबर चार्जेस अलग, तो 7,000 रुपये सर्विसिंग के बाद हमें फिर लग गए। तो ये तो इश्यूज आते रहेंगे बाइक में क्योंकि हम एग्जॉस्ट लगा के चलाते हैं। और रही बात सुपर बाइक है, मेंटेनेंस तो होगा ही, साल में अगर 10,000 का भी मेंटेनेंस ना दे बाइक तो फिर वो सुपर बाइक किस काम की। तो चलो वाटर पंप भी आप लोगों को दिखाता हूँ और बाइक है पूरी स्टॉक, टेल टाइडी भी हमने ओरिजिनल कंपनी की लगा दी है। हमने बहुत कुछ आगे प्लान किया था लेकिन अभी फिलहाल के लिए अभी आपको नहीं बता रहे, तो क्योंकि वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है आगे। तो अभी हम लोग आए बाहर से तो फिर उन्होंने बाइक भी बाहर निकाला, सोचे कि हम लोग आज मोटो व्लॉग जो है वो कर देते हैं और आप लोगों को छोटा सा एक अपडेट जो है वो दे देते हैं कि इतने दिन से हम लोग कहाँ गए हुए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब के कमेंट्स में जो कमेंट्स है वो आते रहते हैं, क्योंकि भाई हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ तो चलते रहता है, तो हर एक का लाइफ स्टेबल नहीं रहता है, तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा हम लोग अपने 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 इसमें बिजी थे। तो अभी हम लोग वही हम लोग का प्लान चल रहा था कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि डेली व्लॉग्स का, तो वो आपको आगे देखने मिल जाएगा। तो चलो फटाफट बाइक पे जाते, मोटो व्लॉगिंग का सेटअप करते, हेलमेट पे कैमरा लगाते और निकलते। बस छोटा सा राउंड साइप्रस की तरफ मारते, बाइक तो पूरी स्टॉक है, टेल टाइडी वगैरह सब आपको दिखाता हूँ। तो चलो डायरेक्ट मिलते बाइक पे। तो फ्रेंड्स ये रही अपनी बाइक और हम आ चुके मुलुंड में। तो ये हमने लगा दिया इसमें दोनों स्टॉक और प्लस अपनी ओजी वाली टेल टाइडी, इसका नंबर्स लगाना बाकी है क्योंकि नंबर प्लेट नहीं लगाया, क्योंकि पहले जो हमने लगाई थी वो इंटरनेशनल थी और अभी हमको नेशनल लगानी है। तो आगे के जो नंबर प्लेट है वो भी भाई पानी से ही निकल जाती है, पता नहीं मेरा ही निकलता है कि क्यों ऐसा, तो वो भी हमें अच्छा वाला लगाना है। और अपनी बाइक दिख रहे हो भाई फुल नीट एंड क्लीन। और रही बात वाटर पम्प की, तो ये रहा वाटर पम्प, ये हमने पूरा नया लगा दिया, ये 7,000 रुपये का है, तो इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की, हमने डायरेक्ट नया लगा दिया जो भी था। और ऑयल फिल्टर भी हमने नया लगा दिया फिर से, और ये जो मिडल पाइप है देख रहे हो कूलेंट का, तो वो भी हल्का सा डाउट था मुझे कि सही नहीं लग रहा है, तो मैंने चेंज करा दिया। अभी सिर्फ बचा है इसमें हॉर्न, तो हॉर्न हमारा बंद हो चुका है, तो वो भी चेंज करा लेंगे, अच्छा वाला लगा देंगे, क्योंकि हीट होके बार बार बंद हो जाता है और उसकी जगह चेंज कर देंगे। तो बस छोटा सा राउंड लगाते, आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ स्टॉक वाली, आजू बाजू में बिल्डिंग है तो ज़्यादा रेव नहीं कर पाऊँगा, लेकिन नॉर्मल ऑन करके बताता हूँ। ये इसकी स्टॉक आवाज़ है, मतलब बिल्कुल भी साइलेंट जगह पे हूँ, थोड़ी बहुत गाड़ियाँ जा रही है लेकिन आवाज़ आप सुन सकते हो। और जो इसकी पावर है भाई, पावर एकदम बढ़ चुकी है क्योंकि ऑलरेडी सर्विस थी, प्लस पूरा हमने इसको चेकअप कराया, पूरा गाड़ी ओके,
ऑयल वगैरह सब सर्विसिंग के टाइम ही चेंज किया था, तो मज़ा आने वाला है अभी चलाने को। पिकअप आप देखना कितना मज़ा आ रहा है। तो आवाज़ आपको एकदम नाके बराबर आएगी, जब मैं बोलूँगा तब इसकी आवाज़ नहीं आएगी। और इसकी पावर देख रहे हो भाई साहब, क्या सही पावर है। पूरी स्टॉक है भाई, पूरी स्टॉक। सोच रहे कि लॉन्ग ड्राइव पे जाए तो मतलब लॉन्ग राइड पे जाए तो लॉन्ग ड्राइव बोल रहा हूँ, लॉन्ग राइड पे जाने के सोच रहे। तो प्लान तो है राजस्थान जाने का, लेकिन फिक्स नहीं है। तो देखते हैं राजस्थान का प्लान करें या ना करें। आप लोग बताओ, आपको लॉन्ग राइड पसंद है या सिटी राइड पसंद है, ये भी कमेंट करके बताओ। साइप्रस के यहाँ पे जाते काफ़ी दिन बाद आए यहाँ पे, थोड़ा फ़ोटोशूट वगैरह करते हैं। इंस्टा पे भी काफ़ी टाइम से, एक डेढ़ वीक हो गया हम एक्टिव नहीं है, तो वो भी हमको करना है। तो थोड़ा शूट, थोड़ा बहुत अंदर जाते हैं, फ़ोटोशूट वगैरह करते हैं, मज़ा आएगा। यहाँ की जो दीवारें है भाई, फ़ोटो निकालने में मज़ा आता है। और यहाँ पे मत देखो आप लोग, वहाँ पे मत देखा करो, 18 प्लस वाले होंगे वही देखना। तो यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह लेना अलाउड नहीं है, लेकिन अपने है पहचान वाले, इसलिए हम यहाँ पे निकालते फटाफट फोटोज़, थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ निकालते और निकलते यहाँ से। थोड़ा रिएक्शन कैप्चर करते भाई। चलो भाई, रिएक्शन कैप्चर हो गया, जल्दी से जाके लाइक कर दो वीडियो को। बस थोड़े टाइम के लिए हमने इसमें स्टॉक एग्जॉस्ट लगाया, तो वाइजर बंद कर देता हूँ क्योंकि बाइक का आवाज़ नहीं, तो आपको विंड नॉइज आएगा और मेरी आवाज़ भी परफेक्ट नहीं आएगी। ओए होए, तो अभी जैसे कि कैलाश ने बोला है कि हम डेली ब्लॉग करेंगे, तो कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द एग्जॉस्ट लगाएंगे, क्योंकि एग्जॉस्ट के बगैर हमको भी मज़ा नहीं आता है और बाइक को हम भी कुछ भी करना रहता है मेरे को कभी भी, तो मैं मतलब हर थोड़े टाइम में मैं स्टॉक कर देता हूँ बाइक को, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम ना आए और बाइक भी एकदम सेफ रहती है। बाइक की पावर देख के ही आप समझ सकते हो, देख रहे हो भाई साहब, एकदम ब्रूटल हो गई है। चलो, आज आप लोगों के साथ मेरे को राइड करके भी मज़ा आया, और आप लोगों के होप करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, और डेली व्लॉग चाहिए कि नहीं वो भी कमेंट करके बताना। तो होप करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलो, बाय बाय, टेक केयर, मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।